नमस्ते बच्चों, आज गैफी और रानी खरगोश गाजर इकट्ठा करने जा रहे हैं। गैफी और रानी लंच में गाजर खाना चाहते हैं। गैफी और रानी एक टोकरी लेते हैं और खेत की ओर चलना शुरू करते हैं। खेत में पहुंचकर गैफी ने रानी से पूछा, तुम कितनी गाजर खाती हो? मैं 8 गाजर खाती हूँ। तुम कितने गाजर खाती हो गैफी? मैं 11 गाजर खाती हूँ। चलो गाजर की सारी फसल काट ले। मैं पहले फसल काटूंगी। मेरे पास 11 गाजर है। अब मेरी फसल काटने की बारी है। मेरे पास 8 गाजर है। क्या आप जानते हैं कि गैफी और रानी दोनों ने कुल कितनी गाजर इकट्ठी की है? आइए जोड़ का उपयोग करके कुल गाजर का पता लगाएं। गैफी ने 11 गाजर काटी और रानी ने 8 गाजर काटी। हम 11 और 8 को कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिखेंगे। किसी भी दो अंकीय संख्या में दाईं ओर लिखी संख्या को हम इकाई कहते हैं। हम पहले दोनों संख्याओं के इकाई को जोड़ेंगे। 1 में 8 जोड़ हो गए 9। इसे हम यहाँ इकाई के नीचे ऐसे लिखेंगे। किसी भी दो अंकीय संख्या में बाईं ओर लिखी संख्या को हम दहाई कहते हैं। यहाँ दहाई में लिखी संख्याएं हैं 1 और 0। 1 में 0 जोड़ कितने हुए? बिल्कुल ठीक, 1। आइए इसे यहाँ दहाई के नीचे इस तरह से लिख लें। वाह, तुम जोड़ करने में बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। क्या आप इसे हल करने में मेरी मदद करेंगे? हाँ, धन्यवाद। सवाल ये है कि अगर रानी 3 गाजर खाएगी और मैं 12 गाजर खाऊंगी, तो हम कुल कितनी गाजर खाएंगे? ये एक कठिन सवाल है। आज अपने जो इकाई और दहाई का तरीका सीखा है, उसका उपयोग करना ना भूले। प्रश्न हल करें और हम आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। अलविदा।